सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर आठवें अध्याय के आठ नौ दस में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और आठवें अध्याय के पांच और सात में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपन आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं सातवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मुड़ जे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी जब बुद्धिमान होगा, संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी, जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी, उन्होंने डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहाँ सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था ना अंग्रेजी बोल सक जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रहे अरे ना ओ डीसी, क्या नाम है तेरा रे, चीफ इंजीनियर के कहे न, अरे ना ऐसे कर, यहाँ से लेकर अठैत लेकर बैठता ही इनकी सड़क बना दे। उनने इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बैठे की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया, तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई, जिस भी शब्द से बोलूँगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चणुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, हाय हाय। और वहाँ हमने देखे ये
एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहाँ देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना पी बड़े, अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे थोड़ा सा पानी लेके न्यू न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा के बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं, मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पा करे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग माए मालिक सत कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए, सतयुग में सतसुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए हैं, इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक बाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर, ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते।